सभी से एग्रीकल्चर में, एग्री बिजनेस में निवेश और बढ़ाने का विशेष आग्रह करूंगा। एग्रीकल्चर में होने वाला वैल्यू एडिशन किसानों की आय को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है और मैं मानता हूं कि हम जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में करेंगे, हम प्रोसेसिंग हो, वैल्यूएडिशन हो, कोल्ड स्टोरेज हो, वेयरहाउसिंग हो, ट्रांसपोर्टेशन के लिए स्पेशल टाइप के कैरेजेज हो, ये सारी संभावनाएं हिंदुस्तान की ग्रामीण इकोनॉमी की ताकत और जो भारत के आर्थिक सामर्थ्य को एक नया आयाम देने की संभावनाओं से भरी पड़ी है। साथियों, आज रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में भारत वर्ल्ड लीडर बनने की तरफ अग्रसर है। दुनिया का नेतृत्व करने की ताकत आज हिंदुस्तान में है। हमने तय किया है कि 2030 तक, 2030 तक हमारी 40% बिजली की क्षमता नॉन फोसिल फ्यूल बेस्ड संसाधनों से पैदा हो। इतना ही नहीं, 2022 जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे, 2022 तक 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का लक्ष्य लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। इसमें भी सोलर पावर का एक बहुत बड़ा हिस्सा होने वाला है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी आइसा के पीछे भी यही अवधारणा है। दुनिया की ऊर्जा की जरूरतें भी पूरी हो और पर्यावरण भी सुरक्षित रहे, इसके लिए हमारा तो एक ही मंत्र है, वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड। उत्तराखंड में भी रिन्यूएबल एनर्जी के प्रसार के लिए राज्य सरकार निरंतर कार्य कर रही है। हाइडल पावर तो इस राज्य की ताकत है ही, अब सोलार एनर्जी जैसे नए माध्यम की शक्ति जुड़ जाने से उत्तराखंड एनर्जी सरप्लस स्टेट बनने की पूरी क्षमता रखता है। उत्तराखंड हिंदुस्तान को ऊर्जावान बना सकता है, इतना पोटेंशियल उत्तराखंड में पड़ा हुआ है। साथियों, बीते 4 वर्षों में मेक इन इंडिया एक बहुत बड़ा ब्रांड बना है। हमारा आग्रह है मेक इन इंडिया नॉट ओनली फॉर इंडिया बट फॉर द होल वर्ल्ड। दुनिया ने हमारे इस आमंत्रण को स्वीकार किया है, जिसके चलते इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ साथ अब इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का भी भारत हब बनता जा रहा है। आज दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, उसके साथ साथ 120 से अधिक फैक्ट्रियां